हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बंधेज की बहुत ही प्यारी वैरायटी। लास्ट कुछ दिन पहले भी मतलब मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, तो इसके नए कलर आए हैं, नया स्टॉक आया है इसका, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप दो तीन पीस जितने भी चाहे मर्जी ले सकते हैं। कलर जो भी अवेलेबल होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग ना सामने स्क्रीन पे लिखा होता है फिर भी बोलते हैं कि आपका नंबर क्या है, ऑर्डर कैसे करें। तो ये ऑर्डर नंबर है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो भी सूट आपको पसंद आए वो इस नंबर पे आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। उसके बाद अपना पेमेंट मोड बता देना कि आप पेमेंट किससे करने वाले हैं, क्योंकि पेमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। सबसे पहला कलर ये आ जाता है, एकदम डार्क, मतलब बहुत ही ज्यादा डार्क मेहरून शेड में, इसको बोलूंगी मेहरून में बिल्कुल डार्क शेड चला जाता है ये। ठीक है, और इसके साथ ये जो काम है ना, ये एक एक चीज बंधी हुई बंधेज का काम है, जो एकदम ओरिजिनल बंधेज होता है वो काम है ये। अभी ये सूट आपको देखने में छोटा लगेगा, लेकिन मैं इसको खोल चुकी हूँ, एक सूट को धुल चुका है मेरे पास, तो उसकी लेंथ जो है काफी हो गई है। 42-3 तक आराम से इनकी लेंथ रेडी हो जाएगी। यहां से ऊपर से निकलेगा आपका नेक, एकदम कॉटन में इसका फैब्रिक रहने वाला है। ठीक है, और कलर जो है बिल्कुल फास्ट है, कलर जाने की इनमें कोई भी शिकायत नहीं है। ये आ जाती है इसकी बैक, बैक भी बारीक बंधेज की गई है। एक बंधेज का प्रिंट कर देते हैं, बट ये प्रिंट नहीं है, ये जो राई के दाना बांध बांध के और कोई मोटा और दाना जैसे सरसों का, इस तरीके के बांध बांध के जो बंधेज होता है ना, ये ओरिजिनल वो बंधेज है। जैसे कि आपको मैं दिखा भी दूंगी आगे, ये देखो ये आ गई है इसकी बॉटम। ये बॉटम इसकी जो है ना 2.5 मीटर कट में है। अभी देखने में ये छोटी लग रही है, बट ये खुल के बड़ी हो जाती है। वही सीन है इसका भी, क्योंकि ये इस तरीके से देखो बंधी हुई है, ये पूरी आपको ऐसे खोलनी है इस टाइप से। ठीक है, ये सीधी साइड से ऐसे, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, एकदम डार्क मेहरून, मेहरून क्या वाइन सा ही शेड हो गया है ये, और उसके साथ मस्टर्ड कलर, और इस तरीके से आएगा आपका ये दुपट्टा। ये देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, ये आपको यहां से खोलना है, ऐसे आपको इसको खोलते चले जाना है और ये पूरा दुपट्टा आपका खुल जाएगा। मैं आपको एक मिनट बाद दिखाती हूँ इसको खोल के। एक बार जब ये खुलना शुरू हो जाएगा ना, तो देखो इस तरीके से खुलता चला जाएगा, आप इनको ऐसे खोल सकते हो। ये धागा ही है जो कि धागा बंध के, और ये व्हाइट बंधेज बना रखा है इस पे, ऐसे आपको ये खोल लेना है। ठीक है, और ये चीजें देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि बिल्कुल ओरिजिनल बंधेज है, और कलर की मैं मेरी फुल मतलब गारंटी है, क्योंकि एकदम डार्क पर्पल शेड देख लो कितना डार्क होता है पर्पल कलर, उस कलर में से भी इसका नहीं गया, मतलब निकला ही नहीं इसका रंग बिल्कुल भी। हाँ, फर्स्ट वॉश जो था ना, उसमें जो ऊपर केमिकल लगाया जाता है वो निकला जरूर, लेकिन मतलब कलर पे कोई भी असर नहीं पड़ा। जो ये व्हाइट व्हाइट आपको काम दिख रहा है बंधेज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही सूट का शेड जो है ना हल्का पड़ा। और ये देखो पूरा दुपट्टा खोल लिया है, खोलने में ही मेरे को इसको 10 मिनट लग गए, बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा। और इस तरीके का ये दुपट्टा है, देखो पूरा खुल के कुछ ऐसा सा हो गया है। ठीक है, और पूरे दुपट्टे में आप अभी पीछे देख सकते हो, देखो पूरे में ना इस तरीके के धागे धागे से लगे हुए हैं ये। जी, ये सब आपको जो है खुद हटाने हैं घर जाने के बाद। मैंने एक दुपट्टा आपको खोल के दिखा दिया है, ये इस तरीके से निकल जाएंगे सारे के सारे, मतलब एक एक चीज में आप ये देखो कितनी मेहनत है। ये धागे जो है ना, ये मशीन से नहीं बंधते, ये सारे के सारे हाथ से बनते हैं, जब जाके ये कहीं बंधेज का काम रेडी होता है, जो ओरिजिनल बंधेज होता है ना वो वाला। ये इतने सारे एक चुन्नी चुन्नी के हैं ये तो सिर्फ। चलो अब मैं आपको इसके शेड दिखा देती हूँ। फर्स्ट कलर जो है ना ये था वाइन विथ मस्टर्ड, सेकेंड कलर देखो जी इसमें ये आ गया है बॉटल ग्रीन कलर है, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर, और इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा रेड कलर का। सेम चीजें हैं सारी, बैक में भी वही बंधेज का काम, और दुपट्टा उसी तरीके से आप खोलना, क्योंकि एक एक दुपट्टा अगर मैं खोल के दिखाऊंगी आपको तो 40-50 मिनट मुझे लग जाएंगे सिर्फ यही वीडियो रेडी करने में। अब मैं आपको इसका एक और शेड दिखा देती हूँ। आज की जो वीडियो है ना, वो प्योर कॉटन और 100% फास्ट कलर पे ही रहने वाली है। बंधेज का एक आर्टिकल ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगी बाटिक का। ठीक है, ये देखिए ये आ गया है नेक्स्ट कलर, रेड कलर पे ये सूट रहने वाला है, और इसके साथ आपको हल्दी येलो कलर की बॉटम मिल जाएगी।
हल्दी येलो कलर का कॉम्बिनेशन इसके साथ काफी जच रहा है। सारे कलर कॉम्बिनेशन ना कुछ इस तरीके के हैं कि हाँ मतलब कौन सा लूं और कौन सा ना लूं, वो वाली चीज हो जाती है। अब मैं आपको इसका लास्ट आर्टिकल दिखा देती हूँ। ओहो चलो ये भी बताती हूँ मैं आपको, ये मे भी मुझे ऐसा लग रहा है बाय मिस्टेक कोई दूसरा आ गया है। हाँ जी चलो जो भी है मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये मस्टर्ड कलर का ये सूट रहने वाला है, मस्टर्ड मतलब येलो सा ही है, हल्दी वाला येलो। और इसमें डिजाइन कुछ आगे का थोड़ा सा चेंज है, वो आप देख लीजिए। और इसके बैक में भी चेंज है, पूरे में बंदेज ना देके और गले पे बुट्टा दे रखा है इस तरीके का, गले पे बुट्टा दे रखा है इस तरीके का, ठीक है ये वाला है। बाकी फैब्रिक सेम है, क्वालिटी वही है जो मैंने नीचे आपको दिखाई है, चीज वही है, लेंथ वही है, लेंथ बल्कि उससे 19-20 मुझे ऊपर ही लग रही है और खुल के और ज्यादा हो जाएगी। और इसके साथ पिंक कलर की ये बॉटम है, और इसका भाई ये दुपट्टा मुझे नहीं पता अब ये कंट्रास्ट में ही था, बाय मिस्टेक सेट में डला है या कैसे क्या हुआ है। खैर जो भी है, देखो इस वाले सूट का मैं जिसको भी लेना हो आप बता देना, प्राइस जो है ना इस वाले सूट का रहेगा 800। और बाकी जितने भी सूट मैंने आपको दिखाए हैं बंधेज के, इस वाले सूट को हटा देते हैं, ये था 800। दुपट्टा आपको खुद से ये चलाना चाहते हो तो भी बढ़िया है, बाकी अगर इनमें से कोई लेना चाहते हो तो इनका प्राइस है 950 विद फ्री शिपिंग। ग्रीन शेड में रहने वाला है ये जो आप काम देख रहे हो इस पे, ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये कंप्यूटराइज्ड कुछ मतलब एम्ब्रॉयडरी है। एक धागा इसमें आपको जरी का नजर आएगा, एक इसमें वैसा सिंपल टोन टू टोन का थ्रेड नजर आएगा। फ्रंट बैक दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है, लेंथ इसमें फुल बन जाएगी, 44-45 तक शायद इसमें बन ही जाएगी, और चौड़ाई इसमें कोई इशू नहीं, कितने भी हेल्दी बंदे का बन जाए। और दूसरी बात ये कि जो जरी का धागा आप ऊपर फील कर रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो ना, वो अंदर आपको नजर ही नहीं आएगा, मतलब चुभने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक बार पास से देख लीजिए, ये सिर्फ दिखने में है वो, और वो भी एकदम गोल्डन नहीं है, एंटिक सा कलर जो होता है ना वो वाले कलर में है, सोबर सा। और मुझे नहीं पता ये किस तरीके की कढ़ाई है भाई, पहली बार ही इसी आर्टिकल में आई है ये वाली, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी बॉटम दिखा देती हूँ। हाँ ये प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये उतरेगा, ये कुछ कंप्यूटर टाइप कंप्यूटर की एम्ब्रॉयडरी है। और ये आ गई है इसकी बाटिक में बॉटम, ये देख लीजिए आप, पूरा पूरा 2.5 मीटर कट है, 2.5 से 1-2 इंच ऊपर है, 3 मीटर क्योंकि इस पे लिखा हुआ था, लेकिन 3 मीटर ये नहीं है। और ये आ जाता है इसका कोटा चेक में दुपट्टा, ये देख लीजिए लाइनिंग दुपट्टा है, सेल्फ लाइनिंग है और बाटिक प्रिंट है, ठीक है, फुल लंबे चौड़े दुपट्टे हैं। पर्सनली जो है बाटिक का सूट मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, इनमें भी कलर बिल्कुल भी नहीं जाता है, ठीक है। ये आ गया इसका फर्स्ट शेड, और एक इसमें ये शेड आ गया है। इनमें ना बॉटम से प्रिंट चेंज है, तो आप बॉटम का प्रिंट आप देख लीजिए आपको कौन सा समझ आ रहा है, कौन सा आपको पसंद है। सेकेंड ये शेड है ग्रे,